दोस्तों, वेलकम टू सिविल बेसिक कोर्स। आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 इंटू 450 mm ओवरऑल इज रेनफोर्स विथ 3/16 mm डाया ऑफ ए इफेक्टिव डेप्थ 420 mm एंड इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर। द बीम सपोर्ट ए लोड ऑफ 10 kN पर मीटर। कैलकुलेट शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन यूजिंग M20 कॉन्क्रीट एंड Fe14 स्टील। तो हम लोग का गिवन क्या क्या है इसमें, तो B दिया हुआ है 200 और D दिया हुआ है 450 mm। फिर इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 420, ठीक है। उसके बाद L दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो इसको 5000 mm हो जाएगा। FCK हम लोग का दिया हुआ है, M20 कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और FI हो जाएगा 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FI दिया हुआ है 415 स्टील। और लाइव लोड कितना हो जाएगा, तो 10 kN पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। लाइव लोड यहाँ दिया हुआ, लोड ऑफ द बीम सपोर्ट लोड ऑफ 10 kN पर मीटर, तो लाइव लोड हो जाएगा 10 kN पर मीटर। अब आते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन में करते क्या है हम लोग, पहले तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील ST इक्वल टू कितना होगा, इसका जगह पाई इंटू 16² / 4, वो जो हो जाएगा 603.9 mm² 603.19 mm², ठीक है। इतना आ जाएगा हम लोग एरिया ऑफ स्टील। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्टेप वन में, क्या करेंगे, निकालेंगे लोड कैलकुलेशन, ठीक है। लोड कैलकुलेशन क्या होता है, उसमें क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम। सेल्फ ऑफ वेट ऑफ बीम कैसे निकलेगा, बी इंटू डी इंटू RCC डेंसिटी, ठीक है। तो बी हम लोग कितना था, 200 था, और डी था 450, और RCC डेंसिटी होता 25, ठीक है। तो ये सब को जो है, ये सब को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को पहले, तो ये हो जाएगा 0.2 × 0.45 × 25, ठीक है। तो RCC डेंसिटी कितना होता है हम लोग का, 25 kN पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये डेंसिटी होता है, इससे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसीलिए जो mm में जो भी था उसको हम लोग मीटर, जो मीटर में mm में था उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.25 kN पर मीटर, ठीक है, क्योंकि नीचे मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा इसके, और ये मीटर मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू kN पर मीटर क्यूब, ये हट जाएगा, तो kN पर मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद लाइफ लोड हम लोग कितना था दिया हुआ था, 10 kN पर मीटर, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 12.25 kN पर मीटर, ये हो गया टोटल लोड, ठीक है। टोटल लोड निकल के हम लोग 12.25 kN पर मीटर। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप पे। स्टेप टू, इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एम इक्वल टू हो जाएगा WL² / 8, ये फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का। तो इसमें हो जाएगा 12.25 × हम लोग का ये जित के अंदर दिया होता 5 दिया होता स्क्वायर बाई 8, यहाँ हम लोग का जो ये दिया हुआ था स्पैन लेंथ दिया था 5 मीटर, ठीक है। हम लोग मीटर में लेकर के उसको कर लेंगे, तो आ गया 5² / 8, इसका हो जाएगा 38.25 kN, ठीक है, 38.25 kN आ जाएगा वैल्यू। अब स्टेप थ्री करेंगे, इसमें निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया निकालते हैं स्टेप थ्री में। इसका फॉर्मूला होता क्या है, आई जी आर, आई जी आर इज्कल टू बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व। इसमें रखेंगे बी हम लोग का वैल्यू 200, इंटू डी का वैल्यू रखेंगे 2450 स्क्वायर बाई ट्वेल्व। इसका वैल्यू आ जाएगा 1518.75 इंटू 10^6 mm पावर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 4 में। स्टेप 4 में निकालेंगे कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये निकालना हम लोग को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ सी आर इज्कल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है। तो इसके बाद इसमें रखेंगे 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के हम लोग का 20 था, इससे निकल जाएगा 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ई सी का फॉर्मूला होता है 5000 रूट एफ सी के। इसका आ जाएगा कितना, 5000 अंडर रूट 20। इसका वैल्यू आ जाएगा 22360.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 एफ सी के अंडर रूट एफ सी के, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉज नंबर 6.22 में दिया हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एफ सी आर इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है मॉडुलस इलास्टिसिटी का, ई एस इक्वल टू अंडर रूट 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। तो ये क्लॉज नंबर में दिया हुआ है, क्लॉज 6.23 और 6.22 में। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोड बुक से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ये क्लॉज हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 6.23 और 6.22 से, ठीक है। उसके अगला स्टेप में आते हैं हम, स्टेप नंबर 5। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट मॉडुलर रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलर रेशियो निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला पता है कि एम इजकल टू ई एस बाई ई सी होता है, ठीक है। और ई एस का वैल्यू कितना होता है, 2,00,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ई एस का वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक। तो एम इजकल टू ई एस बाई ई सी। तो ई एस कितना आया हम लोग का, 2,00,000, और ई सी का वैल्यू था हम लोग का आया था 22360.68। तो ई एस बाई ई सी कर लिया, तो ई एस का था 2,00,000 था वैल्यू, और ई एस का वैल्यू यहाँ से आया था, ई सी का वैल्यू हम लोग का यहाँ से आया था वैल्यू। ये वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग आया 8.94 आंसर आया इसका। उसका हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 6 में। इसमें निकालना है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्रैक सेक्शन, ठीक है। तो एम आर इजकल टू एफ सी आर इंटू आई जी आर डिवाइड बाई वाई टी, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, एफ सी आर जो है
वाई टी का जो वैल्यू होता है वो होता है डी बाई टू। तो डी हम लोगों का कितना है, 450 है, डिवाइडेड बाई टू किया तो आ जाएगा कितना, 225 mm आ जाएगा। ठीक है, अब एम आर इसकल टू, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, कितना आया था एफ सी आर का वैल्यू हम लोग का, एफ सी आर का आया था 3.13। ठीक है, तो 3.13 इंटू आई जी आर कितना आया था वैल्यू हम लोग का, आई जी आर आया था 1518.75 इंटू 10 पावर 6, 1518.75 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 225, ये लिख लेंगे। इससे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 21.12 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर mm, ये आंसर आ गया। ठीक है, एम आर का वैल्यू हम लोग निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या करना है, कैलकुलेट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रैक सेक्शन। ठीक है, इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये कोड बुक नहीं दिया हुआ है, बी एक्स स्क्वायर इजकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ठीक है, 0.5 बी एक्स स्क्वायर इजकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ठीक है, जिसमें एक्स क्या है, वो डेप्थ है ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया। तब 0.5 इंटू बी था बी एक्स स्क्वायर इजकल टू ए एस टी सॉरी एम ए एस टी डी माइनस एक्स था यही, तो 0.5 लिखेंगे इंटू बी का वैल्यू था हम लोग 200, एक्स स्क्वायर इजकल टू एम का वैल्यू जो था वो कितना आया था, 8.94 आया था यहाँ पर एम का वैल्यू हम लोग निकाला था, एम का वैल्यू 8.94। ठीक है, यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 8.94, और ए एस टी हम लोग का निकला था, ए एस टी निकला था कितना, 603.19। तो 603.19 को लिख लेंगे यहाँ पर 603.19, ये हो गया। और डी कितना था हम लोग का, 420 इफेक्टिव डेप्थ कितना था, अब माइनस एक्स इफेक्टिव डेप्थ यहाँ दिया हुआ था, डी था हम लोग का 420 mm, यहाँ से आया था इफेक्टिव डेप्थ 420। ठीक है, वो वैल्यू लिखने के बाद ये लिख लिया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, इससे मल्टीप्लाई करके 100 स्क्वायर प्लस 5392.51x माइनस 2264857.81 इक्वल टू 0। इसको ये को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 125.92, कैल्सियम में डाल करके इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में डालेंगे, कैल्सियम इक्वेशन डालेंगे, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स और ए और ये डिजिट का उसमें डालने के बाद एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेकंड मोमेंट एरिया ऑफ क्रैक्ड सेक्शन। ठीक है, सेकंड मोमेंट एरिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आई आर इजकल टू बी एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए एस टी डी माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो हम लोग किया था ये वाला एम आर इजकल टू एफ सी आर आई जी वाई वाई टी, ये भी कोड बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप पेज नंबर जाइएगा 88 पर जाने के बाद वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एम आर इजकल टू दिया हुआ एफ सी आर आई जी आर वाई वाई टी, पेज नंबर देखिए 88 है। ठीक है, इसमें जाने के बाद आप यहाँ का फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ कोडबुक से आप लिख सकते हैं इसको, उसको आप कोडबुक से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन में। तो ये है आई आर को निकालना है, आई आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि बी का वैल्यू हम लोग का 200 था, एक्स क्यूब रखेंगे 3 प्लस एम का वैल्यू आया था 8.94,
प्लस इंटू एच डी था 603.19 और डी का वैल्यू था 420 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आया था हम लोग का एक्स 125.92। यहाँ पर एक्स जो का वैल्यू आया था उसका रख के हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे हम लोग निकल जाएगा 599.46 इंटू 10.6 mm पावर 4। अब हम लोग स्टेप नंबर 8 में जाएंगे। स्टेप नंबर 8 में हम लोग को लीवर आर्म निकालना है। लीवर आर्म का फॉर्मूला होता है जेड इजकल टू डी बाई डी माइनस एक्स बाई थ्री। डी का वैल्यू आया था हम लोग का 420 माइनस 125.92 डिवाइड बाई थ्री, इससे आ जाएगा 378.02 mm निकल जाएगा, ठीक है। अब हेयर क्या करेंगे, हेयर बी डब्ल्यू इजकल टू बी तो हो जाएगा 200, बी डब्ल्यू जो है वो बी है, तो 200 mm हम लोग का बी था वो निकल जाएगा। अब जो है आएंगे हम लोग ये फॉर्मूला पे, आई ई एफ ये निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है आई आर डिवाइड बाई 1 माइनस 2 माइनस एम आर बाई एम जेड बाई डी 1 माइनस एक्स बाई डी ब्रैकेट बी डब्ल्यू बाई बी, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्या है, आई आर 1.2 माइनस एम आर बाई एम जेड बाई डी, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा है, माइनस एक्स माइनस डी ये ब्रैकेट क्लोज बी डब्ल्यू बाई बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो देखिएगा आप कि ये वाला फॉर्मूला आई एफ, देखिए आई एफ इजकल टू आई आर वन माइ वन डिवाइड बाई 1.2 माइनस एम आर बाई एम जेड बाई डी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई डी बी डब्ल्यू बाई बी, ये भी पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 88 पर, ठीक है, पेज नंबर 88 पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, फॉर्मूला पुट कर लेंगे। आई आर का जो वैल्यू आया था कितना आया था 599.46 इंटू 10 पर पावर 6 1.2 माइनस 21.12 इंटू 10 पावर 6 बाई एम आर का वैल्यू आया था, और एम का वैल्यू आया था 38.28 इंटू 10 पावर 6, ये लिख लेंगे। जेड बाई डी कितना था हम लोग का, तो जेड था 378.02 डिवाइड बाई 420, ठीक है, और डी हम लोग का था 420। एम आर कहाँ से आया था, आई आर का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया, आई आर जो निकाला था हम लोग सेकंड मोमेंट, ये आई आर, ठीक है, इसको लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आया हम लोग एम आर पे, एम आर का वैल्यू जो हम लोग निकाला था, एम आर का वैल्यू ये लिख लिया 21.212 इंटू 10 पावर 6 21.12 इंटू 10 पावर 6। उसके बाद एम का वैल्यू हम लोग निकाला था पहले ही में मूवमेंट, ये 15.18 सॉरी बेंडिंग मूवमेंट 38.28 ये लिख लिया। एम का वैल्यू हम लोग निकाला था कितना 38.28, तो यहाँ पर 38.28 लिख लिया ये। उसके बाद हम लोग आ गए इसमें जेड बाई डी, तो जेड का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाला था यहाँ पर लीवर हमको निकाला था हम लोग 378.02, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लिया। डी का वैल्यू हम लोग को पता है 420 है। अब किया क्या, 1 माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग को देखना पड़ेगा कितना था, एक्स निकाला था 125.92, तो 125.92 रखा, फिर यहाँ पर रखा 420, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ये वाला। उसके बाद बी डब्ल्यू है बाई बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू हुआ बाई 200 बाई 200, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिया था क्या बी डब्ल्यू इजकल टू बी, दोनों सेम है, तो 200 बाई 200 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो आएगा 702.35 इंटू 10 पावर 6 एम एम पावर 4। अब क्या दिखाना है, बट आई आर आई ई एफ और आई जी आर, ये जो है आई आर जो है लेस देन और इक्वल टू आई ई एफ है, और आई ई एफ जो है लेस देन इक्वल टू आई जी आर है, ठीक है। यह दिखाने के बाद उसके बाद हम लोग आ जाएंगे
दोनों सबका वैल्यू लिखेंगे। IR का वैल्यू जो आया था हम लोग का 599.46 इंटू 10^6 ग्रेटर देन इक्वल टू, IEF का वैल्यू कितना आया अभी 702.35 इंटू 10^6 और IGR का वैल्यू जो आया था 1518.75 10^6 ठीक है 1518.75 इंटू 10^6 ये इसको लिख लेंगे हैंस ओके कर देंगे ओके ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसका निकालेंगे डी मैक्स क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन निकालने को कहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसमें हो जाएगा 5WL² / L^4 / 384 इंटू ECEFF ये हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग 5 × 12.25 इंटू 5000/4 384 EC का वैल्यू आया था हम लोग का 22360.68 इंटू 702.35 इंटू 10^6 ये हो गया। W का वैल्यू आया था 12.25 टोटल हम लोग का कितना आया था वो 12.25 आया था टोटल लोड इसको लिख लिया W के जगह पर। उसके L हम लोग को पता है कि 5 मीटर दिया हुआ था तो इसको mm करके लिख लिया power 4। EC का जो वैल्यू आया था हम लोग का यहाँ पर EC का वैल्यू जो आया था EC का जो वैल्यू आया था 22360.68 उसको लिख लिया यहाँ पर हम लोग 22360.68 ये हो गया। और IF का भी हम लोग निकाला IF उसका वैल्यू लिख लिया हम लोग IF जो है ये वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसका आंसर वही सॉल्व किया हम लोग तो आया 3 इतना mm ठीक है। अब हम लोग चेक द कोड रिक्वायरमेंट करेंगे ठीक है। ये लास्ट स्टेप है इसका। इसमें क्या करें कि IS 456/2000 में जाएंगे क्लॉज नंबर 23.2 में और फिर चेक फॉर कोड रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो वहाँ क्या कहता है कि मैं जो है IS 456/2000 बोलता है क्लॉज नंबर 23.2 में कि हम लोग का जो मैक्सिमम परमिसेबल डिफ्लेक्शन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए स्पेन बाय 250 ये इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्पेन में एक्सीड स्पेन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पेन 250 पेज नंबर 37 में है ये कोड बुक के IS 456/2000 में ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम परमिसेबल जो है मैक्सिमम परमिसेबल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 500/250 तो 20 mm आ गया उससे और हम लोग का एक्चुअल डिफ्लेक्शन आया था 6.34 तो ये क्या हो गया कि 6.34 जो है वो छोटा है 20 mm से ठीक है। तो ये भी हो गया हेंस ओके। तो अब क्या लिखेंगे हेंस बीम इज सेफ अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन्स फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।